तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो दोस्तों, लगातार एक ही चीज़ बार बार पूछी जा रही है। स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी ज़्यादा तरीके से टेंशन है और थोड़ा एक उत्सुकता भी है, एक्साइटमेंट है कि सर व्हाट अबाउट द नोटिफिकेशन ऑफ ईओ और एओ। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आएगा 2024 में। तो आपकी क्या राय? देखो, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में अवेयर करा और मैंने अब भी इस चीज़ में कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ होनी है वो होनी है। नोटिफिकेशन मैंने बोला आपसे 100% आएगा। क्यों बोल रहा हूँ? लगातार ट्रेड यूनियन दबाव बना रही है ईपीएफओ पर कि वर्क लोड बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज खाली हैं, उनको फिलअप कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारा जो ये वर्क लोड है जो एम्प्लॉयज़ का है उसको कम कीजिए। वैकेंसीज़ खाली हैं, लेकिन नोट रिक्रूटमेंट कब बनता है? वैकेंसीज से। वैकेंसी खाली है जी है, अब वर्क लोड है, वर्क लोड जब ज़्यादा हो रहा है तो यही तो चीज़ आपके रिक्रूटमेंट के लिए चाहिए। और रिक्रूटमेंट होगा इसीलिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें खाली हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वैकेंसीज खाली हैं, तो रिक्रूटमेंट तो होना ही होना है और 2024 में होना ही होना है। अब कितनी वैकेंसी होंगी वो चीज़ बाद की बात है, लेकिन हाँ, एक अच्छी वैकेंसीज होंगी, पिछली बार के आसपास की ही वैकेंसीज होंगी और इस बार रिक्रूटमेंट होगा 110%। पूरा आप मानकर चलिए रिक्रूटमेंट होगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल आधार मत बनाइए कि रिक्रूटमेंट नहीं होगा या कब होगा और कब तक होगा। रिक्रूटमेंट होगा, प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, बहुत से कैंडिडेट ने पिछली बार यही गलती करी थी कि तैयारी एंड टाइम पर स्टार्ट की थी जब नोटिफिकेशन आउट हो गया था और वहीं से वो बाहर हो गए थे सिलेक्शन से। तो अगर आपको उस चीज़ से बचना है, सिलेक्शन लेना है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगा और आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए, बार बार कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन की चिंता मत कीजिए। एक चीज़ और, कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है कि सर प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी किस अकॉर्डिंग बनाए, 2021 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या 2023 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला था इसके एग्ज़ाम में। तो किसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएं, किसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी लेकर चलें? तो देखिए, मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा। सबसे पहले वो ये है कि आप जो स्ट्रेटेजी बनाएं उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाएं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम। कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश वो सब्जेक्ट है और जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं वो इंग्लिश है, मैथ्स हुआ, ठीक है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं और ये आपको मैक्सिमम मार्क्स दिला सकते हैं। अब ये मत सोचना कि सर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों नहीं कह रहे हैं, और वो उनमें आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, इनमें आप इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर में भी कुछ हद तक आपके तो थोड़े क्वेश्चन टफ थे, लेकिन फिर भी कुछ डूएबल क्वेश्चन थे। तो ये आप ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप स्कोर कर सकते हैं। और अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पहले मैं भी इन्हीं सब्जेक्ट से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कराऊँ, जो ईजी सब्जेक्ट्स हैं वहाँ से सिलेबस ख़त्म करें और जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको बाद में देखें और एग्ज़ाम टाइम तक उन पर फोकस करें जब एग्ज़ाम क्लोज आ जाए, जिससे अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो इसके बारे में भी आप बताना कि आप इंग्लिश या मैथ में से किसको पहले पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हैं, कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप। मिलते हैं फिर किसी दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।